आज करनी वेज रेसिपी में बन रही है चटपटी, ऊपर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम आलू टिक्की। ये सभी को पसंद आती है, खास तौर पर बच्चों को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं शैल सोनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं ये चटपटी सी आलू टिक्की बनाना। तो इसके लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम उबले हुए आलू। इनको हमने फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया और इनके छिलके हमने उतार लिए और इनको मैश कर लिया। और अभी हम इसमें डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर 2 से 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसमें थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। और हम डालेंगे इसमें चाट मसाला 1 से 1.5 छोटा चम्मच। और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च और धनिया पत्ती। ये डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लेंगे थोड़ा सा चावल का आटा, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। आप चाहें तो इसमें बेसन या फिर आरारोट भी डाल सकते हैं। अगर आपको आलू की टिक्की थोड़ी कुरकुरी चाहिए तो आप चावल का आटा ही डालिएगा, अदरवाइज़ आप इसे बांधने के लिए तो सिर्फ आरारोट और बेसन डाल सकते हैं। चावल का आटा ये दोनों काम करता है, आलू के मिश्रण को बांधता भी है और आलू की टिक्की को कुरकुरा भी बनाता है। तो अभी हमने एक लोई ले ली है और इस तरह से हम आलू की टिक्की बनाएंगे, अच्छे से इसकी शेप बना देंगे। तो ये देखिए हमारी ये टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है और अभी इसे एक साइड में रख देंगे और इसी तरह से सारी आलू की टिक्की बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, एक तवा लेंगे और तवे में डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसे गर्म करेंगे और फिर इसमें डालते जाएंगे हम आलू की टिक्की। गैस को हमने बिल्कुल स्लो रखा है तो एक साइड से सिक जाने के बाद हम इसे पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारी आलू की टिक्की का, गोल्डन सुनहरा कलर आ चुका है। और अभी दूसरी साइड से भी हमारी जो आलू की टिक्की है वो सिक चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो लीजिए हमारे आलू की टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है और अभी इसकी हम प्लेटिंग करेंगे दही इमली की चटनी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो एक बार फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।